بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه وبارك وسلم تسليما اما بعد कल हमने यहां से सबक पढ़ा था ये पांचवी मजलिस है सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परसों का सबक यहाँ से था कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरे असवद को रखने में कितना बेहतरीन फैसला फरमाया कि सब लोगों को चादर का कोना पकड़ा दिया जिससे तमाम लोगों की लड़ाइयाँ ख़त्म हो गई और उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 35 साल थी। उसके बाद 40 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को नबी बना दिया गया और सबसे पहले इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ की 5 आयतें नाजिल हुई गारे हिरा में। इसका तफसील के साथ वाकई आपने तफसील में पढ़ लिया है इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ की सूरत में। महीना रबीउल अव्वल का था और दिन पीर का था जबकि आप नबी बनाए गए। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शुरू के तकरीबन 3 साल तक छुप छुप कर दीन की दावत दिया करते थे, खुले आम दावत नहीं दिया करते थे। उसमें औरतों में सबसे पहले हजरत खदीजा इस्लाम लाई और मर्दों में हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला। उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया बांदी राशि रतकल अकरबीन कि अब आप सबको इकट्ठा करके और खुले आम दीन की दावत दीजिए। उस पर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कोहे सफा के पहाड़ पर चढ़कर सब लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाया और उसी वक्त इस बदबख्त अबू जहल ने यह कहा था तबल्लक अलिहाजा जमातना कि नबी तेरा हाथ टूट जाए नाऊज़ु बिल्लाह, ये तू हलाक हो जाए, तूने क्या हमें इसी काम के लिए जमा किया था। और इसी पर तब्बत यदा अबी लहब की सूरत नाजिल हुई थी, इंशाल्लाह इसकी तफसील आपके सामने तफसील में आ जाएगी जब आप तब्बत यदा की सूरत पढ़ेंगे। उसके बाद आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सबको खुलेआम दावत देने लगे और आपको लालच दिया गया था कि आपको हम सबसे ज़्यादा मालदार बना देंगे और सबसे ज़्यादा खूबसूरत औरत से आपकी शादी कर देंगे। तो आपने उसके ऊपर ये जवाब दिया था कि अगर मेरे दाहिने हाथ में सूरज और बाएं हाथ में चांद लाकर रख दिया जाए तब भी मैं इस दीन की दावत से नहीं रुक सकता। उसके बाद जब ये पढ़ा हमने कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज के मौसम में यानी जिस वक्त हज करने के लिए सब बाहर से लोग आए आपने सब लोगों को दीन की दावत दी। आज का हमारा सबक यहाँ से है कि कुरैश की ईज़ा रसानी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्तिकामत। जब कुरैश अपनी तदबीरों में नाकाम रहे और देखा कि रोज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत आम होती जाती है और लोग कसरत से इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं तो अब हर किस्म की ईज़ा की रसाई शुरू की। ईज़ा की रसाई की तो गलत है, ईज़ा रसाई शुरू की। मक्के के चंद ओबाश लोगों को जमा करके इस पर आमादा किया गया कि वह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर मजलिस में इस्तिहज़ा यानी मजाक और जिस सूरत से मुमकिन हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ पहुँचाए।
इससे मालूम होता है कि बातिल और गलत लोगों का यह तरीका होता है कि वह हक की दावत को रोकते हैं, तो इससे चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का इरादा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बय्यिन यानी खुला मौजिज़ा। एक मरतबा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा शरीफ के पास नमाज पढ़ रहे थे, जब सजदे में गए तो अबू जहल ने मौके को गनीमत समझकर इरादा किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक कुचल डाले, मगर जब पत्थर लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुंचता है तो हाथ कांप जाते हैं, पत्थर हाथ से गिर जाता है, रंग फक यानी हल्का पड़ जाता है और भागकर अपनी जमात के पास आता है और कहता है कि जब मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर की जानिब हाथ बढ़ाने का इरादा किया तो एक अजीब वजा का, वजा एक अजीब हालत का ऊँट मुँह खोले हुए मेरी तरफ झपटा और करीब था कि मुझे खा जाए। मैंने ऐसा ऊँट आज तक कभी नहीं देखा। ये वाकया है जो कुफ्फार के मजमे में सबके सामने पेश आया और खुद कुफ्फार के सरदार अबू जहल ने इसका इकरार किया। और एक वाकया आप पढ़ चुके हैं, इकरा बिस्मी की आखिर की आयतों की सूरतों, आखिर की आयतों में, कि वहाँ भी अबू जहल से मुतालिक वाकया बयान किया गया कि उसने ये कहा कि आइंदा आप बैतुल्लाह में नमाज मत पढ़ना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे मना किया और कहा मैं नमाज पढ़ के रहूँगा। उस पर भी अबू जहल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हटाने के लिए आगे बढ़ा तो दरमियान में अल्लाह ताला ने आग की खंदक खोद दी और फरिश्ते बीच में जमा कर दिए, जिसकी वजह से अबू जहल पीछे के पीछे हट गया। तो ये बहुत से वाकयात पेश आए। अबू जहल, उकबा इब्न अबी मुआइत, अबू लहब, आस बिन वाइल, अस्वद इब्न यगूस, अस्वद इब्न अब्दुल मुत्तलिब, वलीद इब्न मुगीरा, इब्न हारिस, ये सब के सब बड़े बड़े सरदार हैं और सब के सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत ही ज़्यादा पक्के दुश्मन हैं और इनमें से किसी ने को भी इस्लाम लाने की तौफीक नहीं दी। ये लोग हर वक्त हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पे आज़ार यानी तकलीफ़ पहुंचाने के चक्कर में रहते थे। इनमें से किसी को इस्लाम की तौफीक नहीं हुई बल्कि सब के सब नहायत जलील होकर हलाक हुए। कुछ गज़वा बद्र में तलवार के घाट उतारे गए और कुछ नहायत गंदे और सख्त अमराज में गल सड़कर मर गए। अगर आपको इसकी तफसील देखनी है तो तफसील की बड़ी किताब जैसे सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौलाना शिबली की और सीरत मुस्तफ़ा मौलाना इदरीस कांधलवी की आप पढ़ सकते हैं। कुरैश का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर किस्म की तमा यानी लालच देना और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब। जब कुफ्फार कुरैश, कुफ्फार काफिर और कुरैश ख़ानदान यानी कुरैश के ख़ानदान के काफिरों ने देख लिया कि ये तदबीर भी कारगर नहीं हुई। कौन सी तदबीर? यानी आपको रोकने टोकने की और तकलीफ़ देने की, तो सब ने मशवरा करके ये तय किया कि वो अपने सबसे ज़्यादा चालाक सरदार उतबा इब्न रबिया को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजें ताकि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर किस्म की दुनियावी तमा यानी लालच दिलाए। शायद इस तदबीर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दावे में खामोश हो बैठे। उतबा इब्न रबिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे। पास जाकर कहा, भतीजे तुम हसब व नसब के एतबार से हम सब में बेहतर हो और इसके बावजूद तुमने अपनी जमात में एक तफरीक डाल दी है, तफरीक फूट डाल रखी है। उसके माबूदों को और इनको बुरा भला कहा, उनके आबा व अजदाद को जाहिल ठहराया। तुम आज अपने दिल की बात कह दो। अगर इन सारे किस्सों से तुम्हारी गरज ये है कि बड़ी दौलत जमा कर लो तो सुनो, हम तुम्हारे वास्ते इतना माल जमा कर देने के लिए तैयार हैं कि तुम अहले मक्का में सबसे ज़्यादा मालदार हो जाओ। और अगर ये चाहते हो कि तुम्हें सरदारी हासिल हो जाए तो इस पर भी राज़ी हैं कि तमाम कुरैश का सरदार बना दे, आपके हुक्म के बग़ैर कोई ज़र्रा ना हिलाए। और अगर आपकी गर्ज़ बादशाहत है तो हम अपने आप को
हम आपको अपना सबका बादशाह बना भी सकते हैं, और अगर तुम माजल्ला किसी जिन का असर है और ये इसी का कलाम वही तुम लोगों को सुनाते हो, यानी जो तुम कुरान करीम सुनाते हो वो आपके ऊपर कोई जिन्नात सवार है और वो जिन्नात ये वही नाउज़ुबिल्लाह कुरान पढ़ता है, तो हम आपका इलाज करा देंगे, और तुम इसके दफा करने से आजिज हो तो हम आपके लिए कोई तबीब, तबीब अरब के अंदर कहते थे जादू उतारने वाले को, हमारे जमाने में तो डॉक्टर को कहते हैं, उस जमाने में तबीब कहते थे जादू का इलाज करने वाले को, कोई तबीब तलाश करे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इलाज करे। जब उतबा अपने कलाम से फारिग हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उसकी दास्ता के जवाब में एक सूरत कुरान की सुना दी, जिसको सुनकर उतबा हक्का बक्का रह गया और अपनी कौम में वापस आकर कहने लगा, खुदा की कसम आज मैंने ऐसा कलाम सुना है कि इससे पहले अपनी उम्र में कभी नहीं सुना, खुदा की कसम न वो शेर है न नजूमियों का कलाम है और न सहर यानी जादू है, मेरी राय यह है कि तुम सब इस शख्स आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईज़ा यानी तकलीफ पहुंचाने से बाज आ जाओ, क्योंकि इनका जो कलाम मैंने सुना है अल्लाह के नज़दीक उसकी शान अजीम है, अजीम होने वाली है, मैं तुम्हारा खैरख्वाह हूँ, तुम मेरी बात मानो और ज़्यादा नहीं तो कुछ दिनों इंतज़ार करो, अगर अरब इन पर गालिब आ गए तो तुम मुफ्त में इस तकलीफ से नजात पाओगे, और अगर वो अरब पर गालिब आ गए तो इनकी इज्जत हमारी ही इज्जत है क्योंकि वो हमारे ही कबीले से हैं। कुरैश अपने सबसे ज़्यादा होशियार उतबा इब्न रबिया सरदार की बातें सुनकर हैरत में रह गए और ये कहकर जान छुड़ाई कि इस पर भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जादू कर दिया है, तो उल्टा ही उतबा इब्न रबिया आया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फंसाने और खुद फंसकर चला गया और खुद ही इस्लाम की दावत उनको देने लगा। अच्छा, लेकिन इस वाक्य से बहुत सी बातें हमें मालूम होती है। नंबर एक तो ये कि जो दीन की दावत देते हैं बातिल लोग उनको इस तरीके से टॉर्चर करते हैं और इस तरीके से उनको फंसाने की कोशिश करते हैं कि उनको पैसों का लालच देते हैं, और बहुत से मुसलमान नेता और बाद मरतब अल्लाह हिफाजत फरमाए कुछ दीनदार लोग भी पैसों के चक्कर में अपनी कौम को बेच देते हैं, तो ये बातिल लोगों का पहले से तरीका चला आ रहा है। बाद मरतबा सरदारी का लालच और ओहदे का लालच दिया जाता है, बाद मरतबा नौजवानों को शादी का लालच दिया जाता है, जैसा कि सुनने में आता रहता है कि कितने ही लोग शादी के चक्कर में अपना इस्लाम छोड़ देते हैं, तो ये पहले से लोगों का गलत तरीका चला आ रहा है। अगर कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा आशिक होता है वो पैसों पर भी लात मार देता है, वो ओहदे पर भी लात मार देता है और वो दूसरी चीज़ों पर भी लात मार देता है, तो ऐसे मौके पर आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ये ज़िंदगी का ये वाक्य अच्छी तरीके से हम सबको याद रखना चाहिए कि अल्लाह के वजह से कभी अपने आप को बेचना मत चाहिए। बहुत सारे नेता बिकते हैं, जब कुरैश का कोई हरबा कारगर ना हुआ तो अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबाए किराम और मुतालिकीन अक़रीबा को भी सताना और तरह तरह की इज़ाएँ देना शुरू किया, यानी अब यह हो गया कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मान नहीं रहे हैं, अब क्या करें, अब जो इनकी बात माने उनको सताओ ताकि कोई बात मानने से कोई इनकी बात माने ही ना और जो बात मान रहे हैं वो भी छोड़ दे। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला वगैरह सहाबा को सख्त इज़ाएँ दी गई, हजरत अम्मार बिन यासिर की वालिदा माजिदा इसी बिना पर नहायत दर्दनाक तरीके से शहीद कर दी गई। हजरत अम्मार इब्न यासिर, बेटे का नाम अम्मार है, वालिद का नाम यासिर है और अम्मार की वालिदा का नाम सुमैया है रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम, इन तीनों ही को इतना सताया गया कि हद है। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इनसे कहा करते थे सब्र करो इंशाल्लाह इसका बदला जन्नत है, और सुमैया के तो इस बदबख्त अबू जहल ने एक नेजा मारा पेट पर, बल्कि पेट से भी नीचे, जिसकी वजह से हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह तआला ना शहीद हो गई, और यही पहली वो औरत है हजरत सुमैया जो इस्लाम की खातिर सबसे पहले शहीद हुई हैं
और शहादत का सबसे पहला ताज जिस औरत के सर पर रखा गया वो हजरत सुमैया है। और ये सबसे पहला वाक्य शहादत है जो इस्लाम में पेश आया। इससे हमें सबक लेना चाहिए कि हम कितनी आसानी के साथ इस्लाम की जिंदगी गुजार रहे हैं लेकिन फिर भी हम सही तरीके पर नहीं चलते, और उन लोगों ने कैसे कैसे जुल्म सहकर इस्लाम को अपने सीने में और दिल के अंदर समाये रखा है और हम घर बैठे बैठे भी इस्लाम पर अमल नहीं कर पाते। सहाबा के लिए हिजरत हबशा का हुक्म, जब सर से ऊपर पानी चला गया, अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मक्के को छोड़ना पड़ेगा, तो मक्के को छोड़ने का अब प्लान बनाना शुरू कर दिया गया। चुनाचे हुआ ये कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कुछ लोगों को कहा कि आप हबशा चले जाइए। हबशा करीबी में एक मुल्क है, वहां का बादशाह के बारे में सुना था कि वो आदमी जुल्म नहीं किसी पर करता और इंसाफ से मामला करता है, अगरचे वो भी काफिर था। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जात पर हर किस्म के मजालिम तकालीफ बर्दाश्त करते रहे, मगर जब साहबा किराम और दीगर अकारीब यानी रिश्तेदारों तक इसकी नौबत पहुंची और देखा कि वो नहायत सब्र के साथ तमाम मजालिम सहने के लिए तैयार हैं मगर इस कलिमा हक यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह और नूर इलाही से मुंह मोड़ने के लिए तैयार नहीं है जो उनको आपके जरिए से वसूल हुआ यानी कलिमा, तो इन हजरात को इजाज़त दी कि मुल्क हबशा की तरफ हिजरत करके चले जाएं। अताए नबुवत से पाँचवें साल रजब में 12 मर्द और औरत ने हबशे की तरफ हिजरत की, जिनमें हजरत उस्मान गनी यानी आपके दामाद और आपकी जोजा मुताहरा हजरत रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी शामिल थी। तो इससे आपको याद करना है कि 5 हिजरी के अंदर हिजरत हुई है, इसको भी हिजरत ही कहते हैं, ये सबसे पहली हिजरत है लेकिन ये हबशा की तरफ हिजरत हुई और इसमें 12 मर्द 12 औरतें यानी कुल 12 थे, कुछ मर्द कुछ औरतें थी। इससे एक और सबक मिलता है कि अगर किसी जगह दीन पर अमल करना मुश्किल हो जाए तो वहां से हिजरत करना, वहां को छोड़ देना ही हिजरत कहलाता है। फिर ये इसके अंदर मसाइल पैदा होते हैं कि अगर बिल्कुल भी दीन पर अमल नहीं कर पा रहा है आदमी तो हिजरत करना वाजिब हो जाता है, और अगर आसानी के लिए हिजरत कर रहा है दीन पर अमल करने के लिए तो हिजरत करना मुस्तहब और बेहतर है। तो इससे एक बात ये मालूम होती है कि ऐसा माहौल होना चाहिए जहाँ दीनदाराना माहौल हो। देखिए साहबा ने मक्के को छोड़ दिया, आगे चल के मालूम हो जाएगा सिर्फ दीन की खातिर, तो दीन की खातिर आदमी को अपना घर का माहौल, ये तो नहीं कहा जा सकता घर छोड़ दे लेकिन इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि घर का माहौल बनाएं, और ख़ास तौर पर लड़कियों को घर छोड़ना पड़ता है, तो जब घर छोड़ना ही पड़ता है तो ऐसा घर इख्तियार करें जहाँ पर दीन मिल सके। नजाशी बादशाह हबशे ने इन महाजरीन का इकराम किया, ये सब अमन आफियत के साथ वहाँ रहने लगे। जब कुरैश को इसकी खबर हुई तो अम्र इब्न आस, ये अम्र इब्न आस और अब्दुल्लाह इब्न रबिया को नजाशी के पास भेजा कि लोग मुफसिद यानी फसाद फैलाने वाले हैं, इनको अपनी कलमरो में ठहरने की इजाजत ना दे यानी अपने मुल्क में ना ठहरने दे बल्कि इनको हमारे सुपुर्द कर दो। नजाशी एक संजीदा आदमी था, उसने उनके जवाब में कहा कि मैं ये काम उस वक्त तक नहीं कर सकता जब तक कि उनके मजहब और ख्यालात की तहकीक ना कर लूं। इन हजरात से जब नजाशी ने यह दरियाफ्त किया कि अपना मजहब और उसके सही वाकयात बतलाएं तो जाफर इब्न अबी तालिब आगे बढ़े। ये जाफर वही हैं जो हजरत अली के भाई हैं और जाफर तैयार इनको कहा जाता है क्योंकि जब ये शहीद हुए उहद में, इनका वाक़ इंशाल्लाह आ जाएगा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको परों के ज़रिए से उड़ता हुआ देखा यानी जन्नत में, इसी वजह से इनको जाफर तैयार कहा जाता है। तैयारा आज के दौर में अरबी के अंदर जहाज़ को कहते हैं। तो जाफर इब्न अबी तालिब आगे बढ़े और फरमाया शाहम यानी ए बादशाह पहले जाहिर शाह यानी ए बादशाह हम पहले जाहिलियत वाले थे,
अब आप इस तकरीर को अच्छी तरीके से सुनिए और पढ़िए, इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले इन सहाबा की क्या हालत थी और उसके बाद क्या हालत हो गई। हम पहले जाहिलियत वाले थे, बुतों की पूजा करते थे, मुर्दार मरे हुए जानवर खाते थे, फहशकारी यानी बेहयाई के काम करते थे, कता रहमी यानी रिश्तेदारी तोड़ा करते थे, बदखुल्की यानी बद अखलाकी के अंदर मुब्तला थे। हमारा कवी या कौमी नहीं कवी मजबूत आदमी ज़ईफ को खा जाता था, यानी वही अमीर गरीब पर जुल्म करता था। तो देखिए ये बातें एक कह सकते हैं कि बुतों की पूजा के अलावा सब बातें आज हमारे अंदर पाई जाती हैं। हालांकि सहाबी ये फरमा रहे हैं कि इस्लाम लाने से पहले हमारे अंदर ये बातें थी, इस्लाम लाने के बाद देखिए क्या होता है। यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने हमारी तरफ एक रसूल भेजा जो हमारे ही कुंबे से है यानी ख़ानदान से है। हम उनके नसब और सच्चाई अमानत और इफ़त को खूब जानते हैं, यानी ऐसा नहीं है कि माल कमाने के चक्कर में दावत दे रहा हो, इफ़त ऐसा नहीं है खुदा ना खास्ता गलत हरकत करने की वजह से दावत देते हो। और उन्होंने हमें इसकी दावत दी कि अल्लाह को एक समझें और इसके साथ किसी को सही पार्टनर और शरीक न जाने, बुतपरस्ती छोड़ दें, सच बोलें, अजीज़ो अकारीब यानी रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करें, पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करें और मुहर्रमात यानी हराम की हुई चीज़ों से मना फरमाया, और खून बहाने यानी एक दूसरे को कत्ल करने और झूठ बोलने और यतीम का माल खाने से रोका, और हमें नमाज रोज़ा ज़कात और हज का हुक्म फरमाया। हमने जब यह सुना तो उस पर ईमान ले आए। ये है जाफर इब्ने अबी तालिब की वो तकरीर जो उन्होंने बादशाह के दरबार में खड़े होकर की थी और जिससे इस्लाम का तारुफ कराया था। नजाशी ये सुनकर मुतासिर हुआ, कुरैश के दोनों कासिदों को वापस कर दिया और मुसलमान हो गया। महाजरीन तकरीबन 3 महीने वहाँ अमन आफियत के साथ क्याम करके वापस आ गए। इस वक्त हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह तआला भी आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की बरकत से मुशर्रफ बा इस्लाम हुए। ये आप जान लीजिए कि हजरत उमर बाद में मुसलमान हुआ, यानी तकरीबन आपके नबी बनने के 5 या 6 साल के बाद। हजरत अबू बकर, हजरत उस्मान, हजरत अली जो 4 खलीफा हैं उनमें से 3 तो शुरू ही में इस्लाम ले आए थे, हजरत उमर बाद में इस्लाम लाए हैं तकरीबन 5 साल के बाद। इससे ये भी मालूम होता है कि अल्लाह ताला जब मदद फरमाते हैं तो काफिरों को ही हमारी मदद के लिए खड़ा कर देते हैं, जैसे कि नजाशी बादशाह को खड़ा कर दिया। और आज के दौर में अफगानिस्तान के अंदर जो नई हुकूमत आई है वो सब ये बातें हमें याद दिला रही है कि कहीं चाइना उनकी मदद कर रहा है, कहीं रूस उनकी मदद कर रहा है, हालांकि सब गैर मुस्लिम है। इस वक्त मुसलमानों की मर्दुम शुमारी 40 मर्द और 11 औरतों से ज़ायद न थी, यानी 6 साल के अंदर या 5 साल के अंदर सिर्फ 50 आदमी मुसलमान हुए, 40 मर्द 11 औरतें। फारूक आजम हजरत उमर रजी अल्लाह तआला के दाखिल इस्लाम होने से मुसलमानों को एक किस्म की शौकत हासिल हुई। वो लोग जो दलाइल वाज़े हो जाने के ज़रिए से इस्लाम जाहिर ना करते थे, अब एलानिया इस्लाम में दाखिल होने लगे, यानी डर के मारे इस्लाम कबूल नहीं करते थे, क्योंकि गरीब गरीब लोगों ने अभी तक इस्लाम कबूल किया था या कुछ शरीफ आदमियों ने, और जो डंके के चोट पर कहें कि हाँ मैंने इस्लाम कबूल किया है कर ले जो कुछ करना है, ऐसे ने भी इस्लाम कबूल नहीं किया था। लेकिन ऐसे हजरत उमर फारूक थे, जब उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया तो दूसरे लोग भी डर उनका निकल गया, अब उन्होंने भी अपना इस्लाम जाहिर करना शुरू कर दिया। इस तरह कबाइल अरब में इस्लाम फैलता और तरक्की करता रहा। जब कुरैश ने देखा कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा की इज्जत रोज़ बरोज़ तरक्की करती जा रही है और बादशाह हबशा ने भी मुसलमानों का एहतराम किया तो उन्हें अपना अंजाम नज़र आने लगा। तमाम कुरैश ने यह तय किया कि बनी अब्दुल मुत्तलिब और बनी हाशिम से मुतालबा किया जाए। आप जानते हैं बनी अब्दुल मुत्तलिब यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का ख़ानदान, और अब्दुल मुत्तलिब के बाप का नाम हाशिम, तो बनी हाशिम से मुराद होगा पड़दादा का ख़ानदान। इससे मुतालबा किया जाए कि वो अपने भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे सुपुर्द कर दें। ये याद रखें अरब के अंदर
छोटे को भतीजा कहते हैं, बड़े को चचा कहते हैं। तो चाहे रिश्ते में भतीजा हो या ना हो, और चाहे रिश्ते में चचा हो या ना हो, वो इस तरह कहते हैं। वरना हम इनसे बिल्कुल कता ताल्लुक कर देंगे, मगर बनी अब्दुल मुत्तलिब ने इसको मंजूर ना किया तो बा इत्तिफाक, ऐसे बिल इत्तिफाक होता है ये, बिल इत्तिफाक राय अहदनामा लिखा गया कि बनी अब्दुल मुत्तलिब से बिल्कुल मुकाता किया जाए। ये वो सख्त साल पेश आया छठी हिजरी के अंदर, छठी नबवी के अंदर, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल्कुल अलग थलग बैन लगा दिया गया, बिल्कुल मुकाता यानी कता ताल्लुक की रिश्ते तोड़ लिए गए, रिश्ते नाते निकाह बिया खरीदो फरोख सब बंद कर दिए गए। कोई इनसे शादी नहीं करेगा, कोई ना इनसे खरीदेगा, ना इनको बेचेगा, ना इनके कोई घर जाएगा, ना इनके घर से कोई आएगा। देखिए इस्लाम के लिए क्या क्या सहाबा ने बर्दाश्त किया है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर्दाश्त किया है, और हम तो नमाज ही नहीं पढ़ सकते, नमाज में बहाने बना देते हैं, पर्दा नहीं कर सकते हम तो। और ये अहदनामा बैतुल्ला के अंदर मुअल्लक यानी लटका दिया गया। ये देखिए ये नामा यानी ये जो खत लिखा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक को तोड़ दिया जाए, इसका लिखने वाले का नाम मंसूर इब्ने इकरीमा था। इसी की शामत में इसका हाथ शल हो गया, यानी अल्लाह ताला ने सजा दी कि इसका हाथ पे फालिज पड़ गया और आइंदा के लिए लिखने के लिए मजबूर हो गया। अच्छा, खाली ये नहीं हुआ कि सिर्फ रिश्ते नाते और खरीदो फरोख तो इनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तोड़ दी गई, बल्कि बस्ती से बाहर निकाल दिया गया और घर में भी रहना बंद कर दिया। और ये कहा गया कि तुम पहाड़ के अंदर जाओ, वहां पहाड़ों के अंदर रहो जाकर, बस्ती के अंदर नहीं रह सकते। और ऐसे हालात हुए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाना पड़ा एक पहाड़ की घाटी में, घाटी कहते हैं पहाड़ों के दरमियान का रास्ता। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके तमाम रुफका और अकरीबा को मुकैद, यानी मुकैद के माने बंद कर दिया गया, बस एक तरह की जेल थी। इसी वजह से कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक तरह से और ख़ानदान और सहाबा को जेल जाना पड़ा। उस वक्त अबू लहब के सिवा तमाम बनी हाशिम और बनु अब्दुल मुत्तलिब के तमाम अफराद बिला इम्तियाज मुस्लिम और काफिर सब के सब अबू तालिब के साथ रहे। यानी इस बायकॉट में और इस जेल के अंदर मुसलमान भी थे, गैर मुस्लिम भी थे, और गैर मुस्लिम काफिर इस वजह से थे कि उन्होंने मुसलमानों की मदद की जो कि बनु अब्दुल मुत्तलिब के ख़ानदान से थे। और इस घाटी में मुकैद व महसूर हो गए, सब तरफ से आमद और रफ्त होने के रास्ते बंद थे। शिद्दत भूख से दरख्तों के पत्ते तक खाने की नौबत आई। अब ये देखे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरख्त के पत्ते तक खा रहे हैं। यह हालत देखकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा सहाबे किराम को हबशे की तरफ हिजरत करने के लिए फरमाया कि जाओ हबशे में जाओ ताकि वहां जाकर सुकून की सांस ले सके। अल्लाह का शुक्र है हमारे पे तो ये हालात नहीं है, फिर भी लेकिन लोग नहीं चलते। इस मरतबा एक बड़े काफिले ने हिजरत की जिसकी तादाद 83 मर्द और औरतें बयान की जाती हैं। वो पहले वाले तो आ गए थे 3 महीने के बाद और ये दोबारा गए। फिर इनके साथ यमन के मुसलमान भी मिल गए, यानी यमन से कुछ मुसलमान आए, लेकिन उनको पता लगा कि मक्के के अंदर तो बहुत सख्त हालात हैं, तो वो यमन मक्के में आने के बजाय सीधे हबशे पहुंच गए थे, जिनमें हज़रत अबू मूसा अशअरी और उनकी कौम भी थी। उधर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बाकी आल असहाब ने तकरीबन 3 साल तक इन्हीं मजालिम और मसाइब के साथ बसर किया। अब जरा अंदाजा किए 3 साल एक तरह की जेल में बंद रहे, न खाना न पीना, बल्कि आज के जेल में तो आराम से खाना भी मिल जाता है, मिलने भी दिया जाता है, लेकिन वहां तो ना खाना मिलता था और ना किसी से मिलने ही दिया जाता था। इसके बाद चंद आदमी इस अहद को तोड़ने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर से ये मुहासरा उठा देने पर आमादा हुए। उधर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वजरिये वही बतला दिया गया कि इस अहद नामे को दीमक ने खा लिया है। यानी फिर ये बंदिश टूटी कैसे? उधर तो अल्लाह ताला ने कुछ काफिरों का दिल नरम किया, उधर जो मक्के के अंदर ये लिखा हुआ था उसको दीमक ने खा लिया,
तीसरी तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के जरिए बतला दिया गया कि जो अहदनामा लिखा था वही ख़त्म हो गया, वही दीमक ने खा लिया, अब कहें का आपस में अहदनामा रह गया। इस तरीके से 3 साल के बाद आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और आपका ख़ानदान उस घाटी से वापस आए। इसी को कहते हैं शेब भी तालिब। आप अगर उर्दू की अच्छी किताबें पढ़ोगे तो उसमें लिखा होगा शेब भी तालिब में 3 साल, और बजुज खुदा के नाम के इसमें कोई हर्फ नहीं छोड़ा, यानी दीमक ने सारा कागज़ को खा लिया, जहां अल्लाह लिखा हुआ था वहां छोड़ दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से बयान किया, देखा तो ठीक इसी तरह निकला जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया था। अलगर्ज आपसे मुहासरा यानी जो आपको घेराव कर रखा था वो ख़त्म कर दिया गया। तो ऐसे मौके पर हम लोगों के जहन में एक बहुत बड़ी बात ये आती है कि जब अल्लाह ताला ने 3 साल के बाद उस अहद को ख़त्म करवा दिया, दीमक से चटवा दिया, तो क्या अल्लाह ताला पहले ही दिन नहीं करवा सकते थे, और अल्लाह ताला पहले ही तीसरे दिन नहीं करवा सकते थे? 3 साल तक क्यों अल्लाह के अपने नबी को इन हालात में रखा? उसका जवाब यह है कि इन हालात से गुजारना था अल्लाह ताला को, और अपने नबी पर यह हालात भेजने थे ताकि हम जैसों को सबक मिले कि दुनिया के अंदर तो ये हालात आते ही हैं, और ये समझ जाना कि आदमी दीनदार बनने के बाद दुनिया में हालात नहीं आते, ऐसा नहीं है। दुनिया में तो हालात आते ही हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा दीनदार कौन होगा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कितने सख्त हालात आए उससे ज़्यादा शायद ही किसी पर दुनिया में आए हों। तो दिखलाना यह है कि दीन के बाद आप पर हालात आ सकते हैं, लेकिन उससे आपके दर्जे इतने बुलंद होंगे जो आपके कभी भी दर्जे उस मकाम पर नहीं पहुंच सकते। तो हालात आते हैं, औरतों पर भी, मर्दों पर भी, घर वालों की तरफ से, बाहर वालों की तरफ से, मुसलमानों की तरफ से, काफिरों की तरफ से, लेकिन उस मौके पर भी अल्लाह ताला का असल इम्तिहान होता है कि कौन जमकर हमारे दीन पर रहता है और कौन रुखसत हो जाता है। तो ये सबसे बड़ा सबक मिलता है इन वाकयात से। इसी वजह से अल्लाह ताला कभी 3 साल के बाद, कभी 2 साल के बाद मसाइल का हल फरमाते हैं। तुफैल इब्न अम्र दोसी का इस्लाम लाना। इसी अरसे में हज़रत तुफैल इब्न अम्र दोसी, जो नहायत शरीफ और अपनी कौम के सरदार थे, आहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और इस्लाम की बदीही यानी खुली हक्कानियत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को देख कर बरिज़ा और रग़बत यानी अपनी खुशी से मुसलमान हो गए और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मेरी कौम में मेरी बात मानी जाती है, मैं जाकर उनको भी इस्लाम की दावत देता हूँ, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि मेरे साथ कोई ऐसी खुली हुई अलामत जाहिर कर दी जाए जिसके ज़रिए से उनको आपकी बातों का यकीन दिला सकूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई तो अल्लाह ताला उनकी पेशानी पर ऐसा नूर चमका दिया जो अंधेरे में भी एक नहायत रोशन चिराग की तरह चमकता था। जब तुफैल इब्न अम्र अपनी कौम के पास गए तो ये ख्याल हुआ कि कहीं से मुझ पर यह मर्ज मुसल्लत हो गया है, इसलिए दुआ की ये नूर आपके ताजियाना में आ जाए। अल्लाह ताला ने दुआ कबूल फरमाई। ताजियाना कहते हैं जो साथ में डंडा सा रखा जाता है, कोड़ा कह लीजिए, डंडे के बजाय कोड़े। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तो आपकी पेशानी में नूर था, लेकिन वो ये समझे, कई लोग इसको बीमारी ना समझे, इस वजह से अल्लाह से दुआ करके उस कोड़े के अंदर रोशनी बन गई, यानी एक तरह की टॉर्च उनके हाथ में आ गई। अल्लाह ताला ने दुआ कबूल फरमाई और इस नूर को उनके कोड़े से के साथ किंदील की तरह लगा दिया। अपने कबीले में पहुंच की तबलीग की, कुछ आदमी आपकी सही से मुसलमान हो गए, चुनाचे उनके गुमान के मुताबिक ज्यादा न हुए, इसलिए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाइए कि मेरी सही यानी कोशिश कामयाब हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, इरशाद फरमाया, जाओ अब तबलीग करो और नरमी से काम लो। इससे मालूम होता है तबलीग के अंदर ख़ास तौर पर नरमी बहुत ज़्यादा शर्त है। इसी वजह से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने फरमाया था, फ़कूल लहू क़ौलन लय्यिना, कि जब तुम फिरौन को दावत देने के लिए जा रहे हो तो नरमी से बात करना, यही तबलीग के अंदर असर दिखाती है। तुफैल इब्न अम्र लौटे और फिर लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाया।
اور خدا کے فضل سے ایسے کامیاب ہوئے کہ غزوہ خندق کے بعد 70-80 گھرانے مسلمان کر کے غزوہ خیبر میں اپنے ساتھ لائے اور سب شریک جہاد ہوئے۔ غزوہ خندق یہ بھی انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ آ جائے گا، غزوہ خیبر یہ بھی تفصیل کے ساتھ آ جائے گا۔ اس کے بعد یہ ابو طالب جو اب تک کہ آپ کی پشت پناہی کر رہے تھے، آپ کے چچا، ان کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ اسی عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کی وفات ہو گئی۔ یہ سانحہ نبوت سے 10ویں سال ماہ شوال کے نصف پر پیش آیا، یعنی آدھے پر، شوال کے مہینے میں 15 تاریخ سمجھ لیجئے، اور 10ویں سال پیش آیا، اور اس کے 3 دن بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی۔ اور اس لیے آخر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو غم کا سال فرمایا۔ یہ سال ایسا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غم پہاڑ کی طرح ٹوٹا، کیونکہ گھر کی سب سے بڑی سپورٹ بیوی تھی اور بیوی ہوتی ہے، اور وہ بھی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی، تو وہ بھی رخصت ہو گئی، اور باہر کی سب سے بڑی سپورٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ابو طالب تھے، وہ بھی ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ساری سپورٹوں کو ختم کر کے دکھلایا کہ ہم اپنے نبی کو اسی طریقے سے بغیر اسباب کے دنیا کے اندر چمکا کر دکھائیں گے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔